एवरीवन, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे सेंटेंसेस की जो ज्यादातर सब गलत बोलते हैं, और जो 10वां सेंटेंस है उसको तो 90% लोग गलत बोलते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए वो कौन से 10 सेंटेंसेस हैं जो हम सब गलत बोलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाती रहूं। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पीपल इज, ज्यादातर लोग इस सेंटेंस में गलतियां करते हैं। व्हाट इज द राइट वर्ड हियर? इट्स आर, पीपल आर। वी डोंट से पीपल इज गोइंग टू मार्केट, वी से पीपल आर गोइंग टू मार्केट, और वी से पीपल आर डूइंग देयर वर्क। सो दिस वे वी यूज आर विथ पीपल। रीजन बताती हूँ क्यों। पीपल इटसेल्फ इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। ओके, अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं पर्सन, बट अगर हम कई लोगों की बात करें तो हम क्या बोलते हैं? पीपल। दैट्स व्हाई वी यूज आर हियर, पीपल आर डूइंग देयर वर्क। और बहुत सारे लोग ये वाली गलतियां भी करते हैं, दे से पीपल, इट्स नॉट पीपल, इट्स पीपल, पीपल। आपको पता है पीपल वाला पेड़? यस, दैट वन पीपल। ओके, और इट्स नॉट पीपल्स, इट्स नॉट पीपल्स, बिकॉज इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी से पीपल, नॉट पीपल्स, नॉट पीपल्स। ओके, पीपल। चलिए बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई प्रेफर टी देन कॉफी, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं, बट ये गलत है। तो सही क्या है? आई प्रेफर टी टू कॉफी। इसका मतलब ये है कि मैं कॉफी की जगह चाय पीना पसंद करूंगी। होता है ना, हम कई बार ये बोलना चाहते हैं कि बस से जाने की बजाय मैं तो बाइक से जाना पसंद करूंगी। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं आई प्रेफर गोइंग बाय बाइक टू बस। डिड यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस हियर? आई प्रेफर टी टू कॉफी। यस, ये वाला सेंटेंस सही है। आपको देन यूज नहीं करना है, आपको ये नहीं बोलना है कि आई प्रेफर टी देन कॉफी। ओके, आपको क्या बोलना है? आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शी इज एफ्रेड फ्रॉम लिजर्ड्स। क्या लगता है आपको, ये सही सेंटेंस है? जी नहीं, ये गलत सेंटेंस है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? शी इज एफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स। तो यहाँ पर हम फ्रॉम की जगह ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देके बताती हूँ। He is afraid of dogs, not he is afraid from dogs. हम ये नहीं बोलेंगे कि he is afraid from dogs, हम बोलेंगे he is afraid of dogs. तो यहाँ पर ये क्या हुआ? She is afraid of lizards. She is afraid of lizards. Here you can notice the change of and from. अब आप she is को she is भी बोल सकते हो. When we speak fluently, then that time we say She is afraid of lizards, rather than saying she is afraid of lizards. तो I hope कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे सेंटेंस की बात करते हैं। I lost the train. I lost the train. बहुत सारे लोग इस सेंटेंस में गलती करते हैं। I lost the train. आपकी थोड़ी ना कोई ट्रेन है जो खो गई है, तो क्या बोलेंगे? I missed the train. I missed the train. और अगर आपकी बस छूट गई है तो आप कैसे बोलोगे? आई मिस्ड द बस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं। आई एम अग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत हो? तो क्या बोलोगे आप? आई एम अग्री। जी नहीं, आप बोलोगे आई अग्री। इन इंग्लिश किस तरीके से पूछते हैं? डू यू अग्री विद मी? डू यू अग्री? तो आप बोलोगे येस आई अग्री, नो आई डोंट अग्री। पर आप क्या नहीं बोलोगे? I am agree with you. No, don't say this sentence. क्या बोलेंगे? I agree with you. I agree with him. अगर आप किसी की बात से सहमत हैं, तो आप बोलेंगे I agree with him. I agree with her. I agree with you. आगे बढ़ते हैं। I hope कि आप लोग समझते जा रहे हो साथ साथ में। थोड़े examples भी दीजिए comment box में। चलिए next sentence देखते हैं। क्या तुम उसे जानते थे? I didn't knew him. नहीं, मैं उसे नहीं जानता था। I didn't knew him. This is the wrong sentence. Right sentence क्या है? I didn't
सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हो डिड के साथ, जो कि हमें नहीं करना है। अगर आप डिड का यूज कर रहे हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। आई डिडंट नो हिम, तो क्या होगा सेंटेंस? आई डिडंट नो हिम, आई डिडंट नो हर। ओके, इसमें आपको डिड के बाद सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है। अगर आपको नहीं पता है कि डिडंट क्यों बोल रही हूं मैं, तो डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डिडंट। बट अगर आप कोई प्रोफेशनल लेटर लिख रहे हो, अगर आप कहीं मेल सेंड कर रहे हो, तो उसमें आपको डिड नॉट पूरा लिखना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लगता है। अगर आप डिडंट, डोंट, डजंट ये बोलेंगे तो ये प्रोफेशनल नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगली बार याद रखिए, अगर आप डिड का यूज कर रहे हो तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। आपको ये नहीं कहना है कि आई डिडंट कॉल्ड यू, ठीक है? आपको क्या बोलना है? आई डिडंट कॉल यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही रिटर्न्ड बैक टू हिज होम, इसका मतलब वह अपने घर वापस आ गया। ठीक है, पर ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आप यहां पर रिटर्न भी यूज कर रहे हो और बैक भी यूज कर रहे हो। रिटर्न का ही मतलब होता है बैक। ओके, तो आप सिर्फ एक बार रिटर्न यूज कर सकते हो। ही रिटर्न टू हिज होम, और यू कैन से ही इज बैक टू हिज होम। समझ में आया आपको? आपको दो बार ये यूज नहीं करना है, रिटर्न और बैक। जब हम किसी से पैसे लेते हैं और उनके पैसों को लौटाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई रिटर्न हिज मनी। पर ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो बोलते हैं आई रिटर्न बैक हिज मनी। तो ये गलत सेंटेंस है, आपको बोलना है आई रिटर्न हिज मनी। आपको यहाँ पर बैक बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सेंटेंस है ही स्पीक गुड इंग्लिश। सोचिए क्या गलती है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर आप लोग यही गलती करते हो। तो क्या होगा? ही स्पीक्स गुड इंग्लिश। जब आप ही, शी, इट और किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको वर्ब में एस और यस लगाना होता है। सो ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, समझ में आया? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आई, वी, यू, दे, इन सारे सब्जेक्ट्स की, तो इनमें हम एस और यस नहीं लगाते हैं। ज्यादातर लोग गलती करते हैं आई स्पीक्स गुड इंग्लिश, तो ये गलत सेंटेंस है। आई नोज हिम वेल, नो, इट्स इनकरेक्ट। सही सेंटेंस क्या है? आई नो हिम। और अगर ही शी की बात करें तो ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, ही नोज मी वेरी वेल। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप यूज करेंगे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। ही डोंट नो इंग्लिश, ही डजंट नो इंग्लिश। ओके, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ हम लगाते हैं डज। ही डजंट नो इंग्लिश। अगर आपको कंफ्यूजन है कि डज कहाँ लगाना है और डू कहाँ लगाना है, तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। इसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इसका यूज सिखाया है, और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। चलिए अब आता है लास्ट सेंटेंस, जो 90% लोग गलत बोलते हैं। इवन इन माई फैमिली ग्रुप, इन माई व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप, एवरी फैमिली मेंबर स्पीक्स दिस सेंटेंस रॉन्ग। इट्स नॉट हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सही सेंटेंस क्या होता है? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, अब आप बोलेंगे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। समझ में आया आपको? तो ये थे 10 सेंटेंसेस जो ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो ने हेल्प की होगी। तो देखते रहिए नए नए वीडियोस, और मुझे कमेंट्स में बताइए ऑन विच टॉपिक यू वॉन्ट मी टू शूट वीडियो। ओके, कमेंट बताइए कि कौन सा वो टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। ऑलराइट, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।